मध्य प्रदेश वेयर हाउस कारपोरेशन एवं लॉजिस्टिक के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त राहुल सिंह लोधी का जिला भाजपा कार्यालय में आत्मीय स्वागत वंदन किया गया। सबसे पहले जिला भाजपा कार्यालय पहुंचे राहुल सिंह लोधी और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह लोधी का स्वागत सम्मान किया गया। शॉल श्रीफल से सम्मान हुआ, फूलमालाओं से सम्मान हुआ। वहीं उसके बाद राहुल सिंह लोधी ने भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित किया। साथ ही बताया कि किस वजह से उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा और क्यों भाजपा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि लोग उनसे सवाल पूछते हैं, लेकिन उनका जो संकल्प था मेडिकल कॉलेज दमोह लाने का, वह संकल्प भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरा किया। यही कारण था कि वे भाजपा के साथ आए हैं और आगामी दिनों में मजबूती के साथ भाजपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे और सरकार को मजबूत बनाएंगे। उसी क्रम में केंद्रीय मंत्री सम्मानी प्रद्युम्न सिंह मुन्ना भैया का भी माननीय प्रीतम सिंह जी स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। हमारे जिले के उपाध्यक्ष पर आदमी बहादुर पटेल जी आए गए, वो आए और मंत्री जी का स्वागत करें, माला जरूर पटेल था माला स्वागत करें। उसी क्रम में केंद्रीय मंत्री सम्मानीय प्रद्युम्न सिंह मुन्ना भैया का भी माननीय प्रीतम सिंह जी स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। जो सदस्यता ले रहे हैं वो आए और उनके नाम हमारे जिले के उपाध्यक्ष पर आदमी बहादुर पटेल जी से आए गए, वो आए। आदरणीय अध्यक्ष जी, क्षमा चाहता हूँ और इसमें मेरी गलती बिल्कुल नहीं है। जो कार्यक्रम जो लेट हुआ है इसमें पूरी गलती प्रद्युम्न भैया की है। जैसे भोपाल से राहगीर करके बीच के लोगों को पता चला कि प्रद्युम्न भैया आ रहे हैं तो चार जगह स्वागत था, वो बदल के 28-30 जगह हो गया। इस कारण से हम लेट हो गए। तो ये मुन्ना भैया आप नवा माओ, हम तो आपकी तरफ से माफी लेते हैं। आगे से ध्यान रखेंगे समय का। आज लोगों के प्रथम नगर आंदोलन पर मैं भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को, भारतीय जनता पार्टी के हर एक संगठन मोर्चा के कार्यकर्ताओं को, अध्यक्षों को और जितने भी नेतागण हैं सभी को मैं हाथ जोड़ के वंदन और अभिनंदन करना चाहता हूँ। पिछले दो वर्ष का कार्यकाल वहां में रहा विधायक के तौर पर, और उसमें क्योंकि छह महीने तकरीबन कोविड का कार्यकाल रहा, इसलिए 14 महीने चाहे वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष हो, जनपद अध्यक्ष हो, हमारी बहन जी मालती साहबी नगर पालिका अध्यक्ष हो, माननीय सांसद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जी हो, सभी से मैंने मंच साझा किया है और कहीं ना कहीं नमो के विकास के लिए दोनों तरफ से एक रास्ता निकाला गया और 14 महीने हमने एक समन्वय बना के काम किया। बस अभी जो भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो संगठन के लोग हैं, उनसे मेरा परिचय नहीं है। निश्चित तौर पर बहुत जल्द और कम समय में मैं आप सभी के घर पहुंचकर व्यक्तिगत तौर पर आपसे परिचय करूंगा, जिससे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी दमोह के विकास के लिए अच्छे से कार्य कर सके। अभी लोगों के दिमाग में बहुत सवाल थे, बहुत पूछते थे कि भैया आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि आपने कांग्रेस छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी में चले गए। शायद आप लोगों को याद होगा जब हम विधानसभा का चुनाव लड़े थे उस समय हमने ये बोला था कि
कि दमोह में मेडिकल कॉलेज की बहुत अभी आवश्यकता है और हमारे बहुत से नौजवानों ने इसको लेके विरोध भी किया था, कई लोगों ने मुंडन भी कराया था और बहुत लंबा आंदोलन चला था हमारे यहाँ के बुद्धिजीवी लोगों ने, चाहे हमारे वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे पत्रकार हो, और वो चीज नहीं हो पाई क्योंकि हर चीज संभव हो पाना मुश्किल रहता है, कुछ कारण होंगे उसके सहयोग नहीं बन पाते। जब हम चुनाव जीते तो जीतने के बाद हमने अपनी बात रखी तो 14 महीने में ऐसा लगा ये अपने आप को ठगा सा महसूस किया। अब सरकार चली गई और 2-3 साल बाद इलेक्शन, हम क्या जवाब देंगे? इसी दौरान माननीय भूपेंद्र सिंह की शिवराज जी से भेंट हुई और चर्चा हुई, उन्होंने कहा नहीं राहुल आप आइए और हम मेडिकल कॉलेज नींव रखेंगे। मेडिकल कॉलेज इसलिए भी जरूरी है कि आज की तारीख में यदि मान लो कोई बड़ी दिक्कत हो जाती है तो हमारे पन्ना से टीकमगढ़, बक्सवा, बड़ा मलेरा, छतरपुर, दमोह आसपास सब लोगों को अस्पताल भागना पड़ता है या जबलपुर भागना पड़ता है। कल की तारीख में भी मेडिकल कॉलेज आता है तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये सारे जिले, ये सारी विधानसभाएं मजबूत हो जाएंगी और हमको अनावश्यक 3,000 रुपए की गाड़ी करके फिर वहाँ 1,000 रुपए का कमरा लेके रुक रहे हैं, ये सब व्यर्थ की खर्ची बंद हो गई। तो इस बात के लिए हमारे शिवराज जी ने आश्वस्त किया और जहां तक मेरी जानकारी में एक पत्र भी जारी हो गया सीएम हाउस से कि दमोह शहर के 10 किलोमीटर की परिधि में 25 एकड़ की भूमि उचित दिया जाए जिससे आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत जल्द आकर यहाँ मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करेंगे। लोग हमसे पूछे हैं, बहुत से लोगों ने हमसे पूछा कि भैया चुनाव का क्या होगा, चुनाव जीतोगे कि हारोगे? चुनाव तो हर 5 साल में होते हैं, बहुत से लोग जीतते हैं, बहुत से लोग हारते हैं, पर मेरे जीवन का चुनाव मेडिकल कॉलेज है। यदि मैंने वो बदला लिया तो अपने जीवन से सारे चुनाव जीत गया। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आप सबको अपनाऊं और आपसे भी निवेदन है कि आप सब भी मुझे अपनाएं। मेरे पिताजी लंबे समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे, पिताजी भी लंबे समय भारतीय जनता पार्टी के रहे और भारतीय जनता पार्टी की जो परिभाषा है, इस तरीके से कार्य प्रणाली है, इस सबसे हम लोग अवगत हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब कार्यकर्ताओं के, आप सब नेता के आशीर्वाद से बहुत जल्द मुझे वही जगह मिल जाएगी जो एक आम कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी मिली है। धन्यवाद।